दुनिया में जिस चीज की हम सबसे ज्यादा कमी बताते हैं और शिकायत करते रहते हैं वो है टाइम। अब टाइम कैसे निकाला जा सकता है या कैसे मैनेज किया जा सकता है, शायद इसी बात का सबक देती और विश्वास दिलाती आज की ये छोटी सी कहानी आपके लिए पेश है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। तो बात यूं है कि सतपाल जी की ना कपड़े की दुकान हुआ करती थी, मार्केट में ही होती थी, बाकी आसपास भी ऐसी ही दुकानें हुआ करती थी। लेकिन सतपाल जी उस दुकान को कभी 2 घंटे के लिए खोल पाते थे, कभी 4 घंटे के लिए खोल पाते थे, कभी कभार खोल ही नहीं पाते थे, और कभी खोला तो आधे घंटे के लिए खोल पाते थे। पर कमाल यह था कि जब भी उनकी दुकान खुलती थी तो दुकान खुलते ही ग्राहकों का तांता लग जाता था, चाहे कितनी भी देर के लिए खुली हो। और दिन भर की जो भी कमाई करनी होती थी उतनी कमाई की और सतपाल जी ने दुकान बढ़ाई, मंगल की और ये चले। अब आसपास के दुकानदार ये सारा नजारा देखते थे, उनमें समझ नहीं आता था कि ये क्या कमाल होता है। एक बार यूं ही हुआ, फिर सतपाल जी आए, फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए दुकान खोली, फिर दिन भर की जो भी कमाई करनी थी उतनी ही देर में की और चलते बने। जा ही रहे थे कि सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए और उन्होंने घेर लिया उन्हें और बोले, भाई सतपाल जी एक बात का जवाब तो दो, ये करते क्या हो? हम सुबह से आते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, ग्राहकों की राह देखते रहते हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आते, और आप थोड़ी देर के लिए आते हो, चाहे आधे घंटे के लिए आओ चाहे 2 घंटे के लिए, दुकान खुलते ही ग्राहकों का तांता लग जाता है। क्या ग्राहकों को टाइम देकर आते हो या कोई जादू टोना जानते हो? सतपाल जी मुस्कुराए और बड़ी विनम्रता के साथ बोले, भाइयों, ना तो मुझे कोई जादू टोना आता है और ना ही मैं ग्राहकों को कोई टाइम देकर आता हूं। बात यह है कि मैं उसकी नौकरी करता हूं और उसी की नौकरी में थोड़ा बहुत समय देता हूं, यानी कि उसके ध्यान में और उसके काम में, यानी कि सेवा में। बस वही मेरा ध्यान रखता है, उसे मालूम है कि मैं कब दुकान खोलने जा रहा हूं, तो मैं जब खोलता हूं वही ग्राहकों को मेरी तरफ भेज देता है और जितना दाना पानी जितना उसने मुझे देना है उतना मुझे थोड़ी देर में भी मिल जाता है। कहानी तो बस इतनी सी है लेकिन इसके अंदर सार बहुत गहरा है। गहरा सार यह है कि हम निश्चय तो बहुत करते हैं, उस पर विश्वास भी बहुत दिखाते हैं, भक्ति भी बहुत करते हैं, पर एक होती है कहने वाली और एक होती है मानने वाली। वो कहानी भी आपको याद होगी ना कि अंगूठी में से हाथी निकल जाता है। तो 2 ब्राह्मणों के ऊपर परीक्षा हुई थी, एक ने कहा था कैसे निकलेगा और एक ने कहा था कि परमात्मा चाहे तो निकल सकता है। बात अंधविश्वास की नहीं है, बात दृढ़ विश्वास की है। जब हम उसे इतना मानते हैं, इतना हमारा संबंध उससे पक्का है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे भाग्य का, हमारे कर्म के अनुसार, हमारी नियत के अनुसार हमें मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि कई बार तो हम उसकी ओर कदम बढ़ाना भी चूक जाते हैं, उससे भी चूक जाते हैं, बस टाइम ना होने का बहाना कर देते हैं। सोचिए हमारी पहले की जीवन शैली कैसी हुआ करती थी। बकायदा हम अपने 24 घंटों में एक निश्चित समय अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ, भक्ति, ध्यान या जो भी जिन भी आश्रमों में हम सेवा करते थे वहां के लिए निकालते थे। मगर अब तो हम राह चलते 1 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी कार रोकी, वहीं के वहीं नमस्कार प्रणाम किया और निकल ले। देने वाला वो एक है, ये हम भूल गए हैं। हमने अपने मतलब के लिए कर्म ही पूजा है का सेंटेंस उठाया और फिर क्या हालतें हो रखी हैं काम के मारे, हम खुद ही सोच सकते हैं। बाकी का सारा समय गॉसिप्स, एंटरटेनमेंट और इधर उधर की बातें करने में निकल जाता है। बातें सुनने में थोड़ा रियलाइज कराने वाली हैं, थोड़ी सी कड़वी भी लग सकती हैं, मगर क्या सच यही नहीं है? कहते हैं
जो सतगुरु का जिक्र करते हैं, सतगुरु उनकी फिक्र करते हैं। और भगवान कहता है, अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। है ना सौदागर वो तो। अब सतपाल जी को ही ले लीजिए, थे तो कपड़ों के व्यापारी, लेकिन सच्चा सौदा ज्ञान रत्नों का उसी सौदागर से करते थे। हमारे अंदर भी वो सतपाल बैठा है, सत्य तो बैठा है, पालने वाला वो है ना। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको, आपके विश्वास को और दृढ़ करेगी, आपके उससे रिश्ते को और भी ज्यादा पक्का करेगी, और आप विश्वास के साथ हिम्मत का कदम उठा पाएंगे, केवल टाइम ना होने का बहाना नहीं करेंगे। बहरहाल आपके जो भी थॉट्स हों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चाहें तो अपने किसी अपने के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत जल्द एक और नई छोटी सी कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। लाइक दिस सोचकास्ट, ट्यून इन फॉर मोर विद द सोचकास्ट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर।